तो फाइनली फिर से कुछ दिनों के बाद पोषण ट्रैकर ऐप का 19.1 वर्जन का बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आ चुका है। आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी कि इस शानदार अपडेट में मात्र एक अपडेट जारी किया गया है। जी हाँ, मंथली रिपोर्ट यानी मंथली प्रोग्रेशन रिपोर्ट MPR का एक अपडेट जारी किया गया है। एक पूरा सेक्शन आपको देखने को मिलेगा MPR के संबंध में, काफी अच्छा रिपोर्ट है। एक तरीके से ये आपका महीने भर का रजिस्टर तैयार करके आपको प्रोवाइड कराता है कि महीने भर में आपने किस प्रकार क्या काम किया, कितना GMD किया, कितने लोगों को THR दिया, हॉट कुक मिल दिया, सारा डिटेल आपको इस MPR के ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं ही रिक्वेस्ट करूंगा जितना हो सके आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये ऐप का जो अपडेट 19.1 है वो काफी अच्छा है। तो फाइनली आप सभी को याद हो गया होगा कि ऐप का जो भी अपडेट आता है आपको प्ले स्टोर में जाकर के सर्च करना होता है। सर्च करने के बाद आपके सामने पोषण ट्रैकर ऐप का ऐसा लोगो आ जाएगा। यहाँ पर आपके मोबाइल में भी अपडेट का ऑप्शन आ गया होगा। देखिए, काफ़ी अच्छा और काफ़ी ज़रूरी अपडेट जारी किया गया है। यहाँ पर व्हाट्स न्यू पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इसका ऑप्शन आ जाता है। मात्र एक ही अपडेट जारी किया गया, लेकिन काफ़ी बेहतरीन है और एक तरीके से आपका मंथली रजिस्टर ये तैयार करके ऑप्शन में दे दिया जाएगा। व्हाट्स न्यू में लिखा गया है AWW यानी आंगनवाड़ी वर्कर्स मंथली रजिस्टर हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, यानी कि MPR मंथली प्रोग्रेशन रिपोर्ट, महीने भर में आपने कौन सा कितना काम किया, क्या छूटा हुआ है, क्या गलती है, क्या सही है, टोटल रिपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ऐप का जो वर्जन है वो 19.1 है, ये जरूर आप चेक कर लीजिएगा। और अपडेट जो है 15 सितंबर कल रात को जारी किया गया है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने इसको अपडेट पर क्लिक कर देता हूँ। कुछ सेकंड का हम वेट करेंगे, उसके बाद जैसे ही ऐप अपडेट हुआ था ओपन करेंगे, तब तक यही आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप लोग कुछ सेकंड में लाइक कर दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को अन्य सेविकाओं के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उनको ये मालूम चल पाए कि ये एक तरीके से रजिस्टर उनके मोबाइल में दिखा दिया जाएगा, अच्छा अपडेट है। फाइनली देखिए, ऐप हमारा अपडेट हो चुका है, मैंने ओपन भी कर लिया हुआ है। जो अपडेट आया हुआ है वो एकमात्र अपडेट है MPR रजिस्टर के संबंध में। सीधे आपको नीचे आ जाना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिए, क्योंकि इतने दूर में कोई आपका काम का अपडेट नहीं है। नीचे आएंगे तो देखिए, यहाँ पर अब आपको एक नया ऑप्शन, एक नया सेक्शन बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। अपडेट करने के बाद यहाँ पर लिखेगा MPR यानी मंथली प्रोग्रेशन रिपोर्ट। यहाँ पर एरो और डेटा के साथ कुछ दिया गया है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, अब आपके आंगनवाड़ी केंद्र में, जी हाँ, आपके आंगनवाड़ी केंद्र का जो भी डेटा होगा करंट मंथ का, देखिए अगस्त का महीना चल रहा है, अभी तक आज के डेट में जो है कितने बेनिफिशरीज हैं, कितने एक्टिव बेनिफिशरीज हैं, आपने इस महीने नया रजिस्टर्ड किया या नहीं किया, आंगनवाड़ी सेंटर का माइग्रेशन किया या नहीं किया, और कितने लाभार्थी इनएक्टिव है, कितने लाभार्थियों का मृत डेड हो चुके हैं, मृत हो चुके हैं, कितने लाभार्थियों को आपने हटा दिया, ये डिटेल यहाँ पर आएगा। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर बेनिफिशरीज वाले ऑप्शन में जब आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो अब आपको और चीज़ें दिखाई देंगी। एक एक डिटेल मैं आपको क्लियर इसी वीडियो में बता दूंगा। व्यू वीडियो पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि आपके केंद्र पर प्रेग्नेंट वुमेन कितनी है, 5 बेनिफिशरी रजिस्टर्ड है, 3 धात्री महिलाएं हैं। वैसे ही करके यहाँ पर जो 6 महीने 3 वर्ष के कितने बच्चे हैं, कितने एक्टिव है, कितने इनएक्टिव है, और 3 वर्ष से 6 वर्ष कितने बच्चे हैं, सारे डिटेल आपको देखने को मिल जाता है। ये एक ही जगह पर आप देखने को मिल जाएगा, ये काफ़ी अच्छा हो गया। दूसरी बड़ी बात, यहाँ पर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, यानी कि आपने आपके केंद्र पर आने वाले कितने बच्चों को हॉट कुक मिल दिया, THR दिया, कितना दिन दिया, कितना खर्चा हुआ, यहाँ पर देखिए आप व्यू डिटेल्स पर क्लिक कीजिएगा। देखिए एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जैसे ही डिटेल पर आप क्लिक करते हैं तो अगस्त महीने का आपको दिखाएगा प्रेग्नेंट 5 एलिजिबल महिलाएं जो हैं उनको जो है न्यूट्रिशन देने की, पोषाहार देने की जरूरत है। तो 5 महिलाओं को 25-25 दिन पोषाहार दिया गया। तो देखिए लिखा गया डेज ऑफ THR प्रोवाइडेड 125 डेज, मतलब कि 5 महिलाएं एलिजिबल थी, 5ों को पोषाहार THR दिया गया तो 125 दिन दे दिया गया, यानी ये सही है। धात्री महिलाओं की बात करें तो 3 महिला एलिजिबल थी, इनको पोषाहार मिलना चाहिए था, 3ों को दिया गया है 25-75 दिन का पोषाहार धात्री महिलाओं के लिए दे दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, 6 महीने से 3 वर्ष के जो है 22 बच्चे एलिजिबल हैं जिनको पोषाहार जो है मिलना चाहिए, 22 में से 20 बच्चे को ही पोषाहार दिया गया है, यहाँ पर टोटल 500 दिन का पोषाहार दिया गया है। आपके डेटा में यहाँ पर ये संख्या और THR डेज वगैरह अलग हो सकता है, आपने जिस प्रकार इसको एंट्री की होगी उस प्रकार आपको दिखाई देगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखिए,
तीन से छह वर्ष के जो बच्चे हैं यहाँ पर आपने क्लियरली देख लिया 47 बच्चे रजिस्टर्ड है जिनको जो है वो पोषाहार या HCM देना है। लेकिन आपको मालूम है कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पोषाहार नहीं दिया जाता है, बना करके खिलाया जाता है, यानी कि HCM दिया जाता है, इनको THR नहीं दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर THR 0 है। और जो है 47 में 47 सभी बच्चों को जो है हॉट कुक मिल दिया गया, टोटल 950 दिन का इनको जो हॉट कुक मिल दिया गया। तो ये सप्लीमेंट्री का डिटेल आपको एक जगह। अब देखिए यहाँ पर प्री स्कूल एजुकेशन का इतना बड़ा डिटेल आ रहा है, 3 वर्ष से 6 वर्ष के 47 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, कितने बच्चों ने कम से कम 15 दिन आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थिति दर्ज कराई तो 44 बच्चे, कितने बच्चों ने कम से कम 21 दिन तक आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थिति दर्ज कराई उसका यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। साथ में पूरा डिटेल के साथ आपको जो है ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिल रही है। होम विजिट का भी यहाँ पर डिटेल आ गया कि इस महीने जो है कितने होम विजिट थे, कितना आपने पूरा किया, वो सब यहाँ पर दिखाएगा। GMD का देखिए बहुत बड़ा डाटा यहाँ पर पूरा सेट करके दिखाया जा रहा है, एक तरीके से पूरा डिटेल आपका महीने का आ जाएगा। पूरा रिपोर्ट PA जो आप MPR भर्ती हैं वो एक तरह से पूरा डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। GMD में 0-6 वर्ष के जो है वो 66 बच्चे हैं, सभी बच्चों का मेजरमेंट अगस्त महीने का कर दिया गया है। उसमें से कितने बच्चों की हाइट कम है इतना यहाँ पर नंबर आ रहा है, कितने बच्चों का जो है हाइट ज़्यादा कम है यहाँ पर आ रहा है, कितने बच्चे जो है वजन से ज़्यादा अधिक है ओबेस यानी मोटापन यहाँ पर आ रहा है, ओवरवेट का भी यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। और यहाँ पर डेटा में दिखाया जा रहा है कि जो बच्चे अंडरवेट है यानी उम्र के हिसाब से उनका वजन कम है, जो कम अंडरवेट है उसका यहाँ पर नंबर दिखाया जा रहा है, सैम नैम सबका ऑप्शन यहाँ पर दिखाया जा रहा है। डिटेल पर आप क्लिक कीजिएगा तो एक एक डिटेल आपके सामने आ जाएगा कि कितने उम्र के कितने बच्चों का क्या क्या डेटा है यहाँ पर, 5 से 6 वर्ष और 0 से 5 वर्ष सबका अलग अलग डेटा आपको एक क्लिक में ये ऐप आप दिखा देगा। साथ में न्यूट्रिशन सप्लीमेंट आपने कितने लाभार्थियों को दिया, आयरन फोलिक एसिड कैल्शियम विटामिन ये गर्भवती धात्री को दिए जाते हैं तो उसको भरने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा, अगर आपने भरा होगा तो यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये काफ़ी अच्छा अपडेट है बेनिफिशियरी का, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का, साथ में प्री स्कूल एजुकेशन अटेंडेंस वगैरह के बारे में, महीने भर का पूरा डिटेल, होम विजिट का डिटेल, GMD का डिटेल और साथ में न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स का डिटेल। ये पांचों डिटेल आपको जो है सबसे नीचे MPR के ऑप्शन में होम स्क्रीन पर ही दिखाई दे रहा है। कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि अपडेट कैसा है, सारी डिटेल मैंने बताई या नहीं बताई। उम्मीद है आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।